तो दोस्तों आज हम आपको जिस प्लांट के बारे में बता रहे हैं ये यूफोर्बिया फैमिली का है और पेडिलेंथस भी कहते हैं इसको, इसको डेविल्स बैकबोन भी कहते हैं। और वैसे इसका नाम यूफोर्बिया टिटीमेलॉइड्स है और ये बहुत ही इजीली प्रोपगेट होने वाला प्लांट है, वाटर से प्रोपगेट होता है। देखिए कुछ मैंने कटिंग्स काफ़ी पहले लाया था, इनको मैंने वाटर में लगाया था, ये देखिए छोटी से छोटी कटिंग में भी कितना अच्छी रूट्स डेवलप हुई हैं, ये इसकी रूट्स डेवलप हुई हैं, ये सारी कटिंग्स में रूट्स डेवलप हुई हैं ये देखिए। और इसकी एक वैरायटी और भी आती है जिसको वेरिगेशन आता है, काफ़ी ज़्यादा लीफ में वेरिगेशन होता है और इसको डेविल्स बैकबोन बोलते हैं क्योंकि ये देखिए एक छोटे छोटे गैप के बाद इसमें नोड्स होती हैं तो यहाँ से कई बार बेंड हो जाता है तो इसको बैकबोन जैसा शेप आ जाता है। इसको जो है बहुत आसानी से आप प्रोपगेट कर सकते हैं वाटर में। और ये देखिए मैंने एक पहले एक प्लांट लगाया था काफ़ी पहले, अब इसमें ये नई नई लीव्स निकल के आ रही हैं, इसकी ब्रांचेस काफ़ी सारी ब्रांचेस ग्रो हो गई हैं, एक ही प्लांट है ये, एक ही प्लांट में से। और इसकी अगर सॉइल की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है हर प्लांट की तरह इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल ही चाहिए और वो बहुत ही ज़्यादा जो है इसको वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम वाटर चाहिए और ये सनलाइट और शेड दोनों में ग्रो होता है आसानी से। और अगर आप इसको सन में रखेंगे तो सन में ये थोड़ा सा इसकी लीव्स जो हैं वो कर्ल अप हो जाती हैं और शेड में इसकी लीव्स पूरी खुली रहती हैं जैसे कि इसकी हैं, ये देख सकते हैं आप इसकी सारी लीव्स ऐसे खुली हुई हैं और ये कर्ल अप अगर मैं दिखाऊँ तो ये ऐसे कर्ल हो जाती हैं, तो ये डिफरेंस है। बाकी इसकी स्टेम में से एक वाइट लिक्विड सा निकलता है तो वो जो है उसको आप बच्चों से या पेट से दूर रखें क्योंकि वो जो है पॉइजनस होता है लिक्विड। बाकी ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है, इसकी जो वेरीगेटेड वैरायटी है वो थोड़ी सी स्लो ग्रोइंग होती है लेकिन ये जो फुल ग्रीन वैरायटी है ये काफ़ी फास्ट ग्रो होती है और इसमें आप खाद की या फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो बहुत कम इसको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है, महीने दो महीने में आप थोड़ा सा अगर इसको आधे मुट्ठी के करीब डाल देंगे फर्टिलाइज़र तो ये जो है बहुत ज़्यादा है उसके लिए, प्लांट के लिए बहुत ठीक रहेगा। और इसकी पॉट साइज़ की अगर बात करें तो इसमें एक ये है कि अगर आप इसको छोटे पॉट में लगाएंगे तो इसकी लीव्स जो हैं वो छोटी रहेंगी और अगर आप इसको बड़े पॉट में लगाएंगे तो इसका लीव साइज़ भी बड़ा होता जाएगा, तो ये एक इसमें डिफरेंस है बाकी प्लांट से। तो जैसा भी आप लीफ इसको चाहें वैसा आप इसको पॉट साइज़ दीजिए। तो बस दोस्तों ये थी इसकी केयर के बारे में डेविल्स बैकबोन के, तो अगली वीडियो में आपके पास आएंगे एक नए प्लांट को लेके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।